So let's get started. सबसे पहले हमें रेडीमेड पिज्जा बेस चाहिए जो कि लोकल शॉप्स में आसानी से मिल जाता है और हम कुछ कटे हुए टमाटर प्याज खीरा और हाफ टेबल स्पून ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स लेंगे। हमें किसा हुआ चीज भी चाहिए, 2 से 3 टेबल स्पून मेयोनीज और आधी कटी हुई शिमला मिर्च चाहिए। अब हम इन सब्जियों को साइड में रखेंगे और पिज्जा बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम पिज्जा बेस पे 3 टेबल स्पून टमाटो सॉस को अच्छे से लगा लेंगे। अब हम 2 टेबल स्पून मेयोनीज लगा लेंगे। मेयोनीज कम ही लगाएं, नहीं तो पिज्जा खाने में खट्टा लगेगा। अगर आपको ज्यादा पसंद है मेयोनीज तो आप ज्यादा भी लगा। अब हम सब सब्जियों को लेके एक एक करके पिज्जा पे अच्छे से रखेंगे। अगर आपको आपकी मर्जी की कोई भी सब्जी डालनी हो तो आप डाल सकते हो, जैसे कि ब्रोकोली और पत्ता गोभी। जैसे कि हमने पूरी सब्जी रख दी है, अब मैं इस पे थोड़ा सा ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स डालूंगी और सब्जियों पे चीज डालेंगे और सब्जियों को ढक देंगे और 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में बेक करेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप पैन ले और उस पे 1 टेबलस्पून घी या बटर डालें और पिज्जा को रख दे, उसे ढक दे जब तक चीज मेल्ट ना हो और पिज्जा क्रस्ट क्रिस्पी ना हो जाए। हमारा पिज्जा रेडी हो चुका है, अब हम इसको कट करके सर्व करेंगे। अगर आपको रेसिपी समझ ना आई हो तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। आप इस पिज्जा पे थोड़ा सा सॉस और ओरिगैनो डाल के सर्व करिएगा और भी अच्छा लगेगा।